हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सी इंटरनेशनल टी टेन ग्रुप डी का आज का फर्स्ट मैच और मैच नंबर ग्यारह होगा जो खेले जाने वाला है नॉर्वे वर्सेस इटली के बीच में शुरू होगा मैच का टाइम रहने वाला है आज चार बजे में शुरू होगा वेदर की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा यहाँ पर वेन्यू देखें सेम ग्राउंड पर मैच है पिच रिपोर्ट की बात करें बैल एंसर है एवरेज स्कोर एक से एक के बीच में बनने वाला है वेन्यू रिकॉर्ड देखें टोटल अब तक नन्यानवे मैच कम्प्लीट हो चुके हैं पैंतालीस मैच जीते यहाँ पर बैटिंग ने पचास मैच में चेज हुआ चार मैच यहाँ पर नोट रिजल्ट आए तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लें एन ओ आर के टीम की तो टीम की बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जाकर सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम से जो ना आपके काफ़ी जरूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ही आपका टोटो तो स्फाइनल टीम और प्लेंग्लैंड मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्कशन में दोस्तों कमेंट करते हो वहाँ पर ऊपर ऊपर आपको पिन के ऊपर मिल जाएगा तो जैसे आप हमारी कमेंट पर आप टेलीग्राम चैनल पहुँच जाओगे वहाँ जोइन आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है बात कर से एन ओ आर की टीम की चार मैच के लेना टीम दो मैच आ रही दो मैच इन्होंने विन किए हैं लास्ट टीम विनिंग की थी खेजर अहमद ने और उस्मान आरिफ ने खेजर अहमद की बात करें जीरो छप्पन अट्ठारह और पाँच रन सेकेंड और थर्ड दोनों मैचों में अच्छी बैटिंग की है दो हजार तेईस में टी के ग्यारह मैच में एक रन इक्कीस का इनका एवरेज रहा उस्मान आरिफ नौ जीरो किट पाँच इकसठ और अट्ठारह रन पहले दो मैचों में रिकॉर्ड ब्लॉप था बाकी लास्ट दोनों मैचों में अच्छी बैटिंग इन्होंने की है वालिद गोरी की बात कर लें छब्बीस छत्तीस ग्यारह और छब्बीस रन पूरे चारों मैचों में बैटिंग से सुपर पॉइंट दिए हैं दो हज़ार तेईस में टी ट्वेंट के ग्यारह मैच में दो सौ चार रन तीन विकेट हैं वहीदुल्ला साहाक की बात कर लें पैंतालीस जीरो किट पाँच तीन विकेट बाईस एक विकेट और जीरो जीरो विकेट है पहले तीन मैच में आपको सुपर पॉइंट दिए थे पर लास्ट मैच में देख सकते हो बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों की पर कुछ नहीं कर पाया बट अच्छा ऑप्शन है राजा इकबाल जीरो विकेट पंद्रह नौ बैटिंग जीरो रन है दो तो हज़ार चौबीस में टी के पाँच मैच में एक सौ पचपन रन एक विकेट है सूपियान सलीम दस नौ बैटिंग दो और बत्तीस नोट आउट यहाँ से आदम मोहम्मद जैर की बात कर लें जीरो विकेट जीरो विकेट तीन विकेट और पंद्रह जीरो विकेट है थर्ड मैच में ना दो ओवर डाल के दो विकेट निकाले बाकी तीन मैचों में रिकॉर्ड प्लॉप रहा है इब्राहिम रहिमी की बात कर लें रिकॉर्ड प्लॉप है यहाँ से कमर मुस्ताक की बात कर लें एक विकेट जीरो विकेट एक विकेट जीरो विकेट है पहले और तीसरे दोनों दो मैचों में, में कन्फर्म विकेट निकाले इरफान की बात कर लें लास्ट के मैच में एक विकेट निकाला टी टेन के छः मैचों में तीन विकेट है विनय रवि यहाँ पर पहले दो मैचों में रिकॉर्ड फ्लॉप था बाकी लास्ट दोनों मैचों में दो दो विकेट निकाले कमाल की बॉलिंग का लेता है बात कर ले बेंच की तो बेंच में से देख सकते हो चार प्लेयर है तो रिकॉर्ड देख ले जैसे हाँ से फेजल रह जाता है छः नौ बैटिंग एक रन है अवेज यूजेब टी टेन के पाँच मैच में उनसठ रन चौदह का एवरेज है सैद हैदर की बात कर ले दो हजार चौबीस में टी टेन के दो मैचों में पाँच रन जीरो विकेट है बसीर खान डोमेस्टिक टी ट्वेंटी के अड़तीस मैच में चार सौ सड़सठ रन बनाए छब्बीस विकेट निकाले बात कर लें स्टार्टिंग और डेथिंग और की के। स्टार्टिंग की के उड़ाने जाएंगे यहाँ से वी रवि एम साहक डेथ के उड़ाने जाएंगे यहाँ से क्यू मुश्ताक एम शेरसाह और यहाँ से ए अब्दुल्ला रहमान जो डेथ में बॉलिंग करेगा वो मेसाप के लिए रहने वाले बात करें दूसरी तो टीम आई टी ए की टीम की चार मैच के लिए टीम दो मैच विन के दो मैच ये हारी है लास्ट में जब निकले थे जैन नकवी ने वो गुलाम दस्तगिर है जैन नकवी की बात करें अड़तालीस चार दस और नौ रन है दो हज़ार चौबीस में टीटन के बीस मैच में छः सौ छियानवे रन छः विकेट हैं गुलाम दस्तगीर चौदह सत्तावन उनचालीस और आठ रन दो हजार चौबीस में टीडन के पंद्रह मैच में चार सौ चौबीस रन बत्तीस का एवरेज है जैन अली दो विकेट तियालीस जीरो विकेट दो हजार चौबीस में टिडेन के तेरह मैच में चार सौ छः रन तीन विकेट राजमणि सिंधु यहाँ पर जीरो विकेट या तियालीस जीरो विकेट दस एक विकेट छब्बीस से एक विकेट है पहले मैच में रिकॉर्ड उपलब्ध था बाकी लास्ट तीनों मैचों में कन्फर्म अच्छे पॉइंट दिए को पाँच उनचालीस दस नौ रन यहाँ से जो है प्रेरा की बात कर लें जीरो चौदह चौदह और सत्रह नॉट आउट हैं अनिक अहमद यहाँ पर नौ तीन रन जीरो विकेट एक विकेट और तीन विकेट है पहले दो मैचों में रिकॉर्ड उपलब्ध था बाकी लास्ट दोनों मैचों में कम की बोलिंग इन्होंने की है आपके लिए बलजीत सिंह यहाँ पर क्या हुआ है दो विकेट दो विकेट दो विकेट और जीरो विकेट है टी में यही होता है कन्फर्म अच्छा करके जाता है उसके जस्ट मैच में क्लॉक हो जाता है क्योंकि टी है यहाँ पर टी टेन प्लॉपिक्स फिक्स हैं तो मैं तभी बोलता हूँ टी टेन में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है हो सके तो आपको ग्रांड निकलना है बट अच्छा ऑप्शन है बलजीत सिंह तो मैं ओका जरूर दूंगा अरसलान महमूद रिकॉर्ड जीरो विकट जीरो किट दो नो बैटिंग है सिमरनजीत सिंह एक नौ बैटिंग तीन नौ बैटिंग है हसन अली जीरो विकट जीरो किट जीरो विकेट और एक विकेट है पहले तीन मैच में एक भी विकेट नहीं मिला बाकी लास्ट के मैच में एक विकेट निकाला बात कर लें यहाँ से बेंच में से है तो बेंच में चार ही प्लेयर हैं तो रिकॉर्ड देख ले जैसे यहाँ से ईशान समिंदा आ जाते हैं छः नॉट आउट जीरो विकेट चरणजीत सिंह दो हज़ार चौबीस में टी टेन के सोलह मैच में तीन सौ चौंसठ रन आठ विकेट हैं यहाँ से निमित सर्फ रेंडो की बात कर लें दो हजार तेईस में टी के सत्रह मैच में एक सौ साठ रन जाद चीमा दो हजार चौबीस में टी के नौ मैच में नौ विकेट है देख लेते हैं स्टार्टिंग और डेथिंग और स्टार्टिंग के वाला चाहिए यहाँ से जेड अली यहाँ से अहमद हसन अली डेथ के वाने जाएंगे यहाँ से जैन अली आर सिंधु बलजीत सिंह जो डेथ में बॉलिंग करेगा वो अमीर साहब के मिनट रहने वाले हैं तो यहाँ पर वीडियो का एनालिसिस वाला पार्ट चुका है कंप्लीट चलते अपने डेमो टीम की तरफ डेमो टीम की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को, को जरूर से जाके सब्सक्राइब कर लेना है तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं चलते अपने डेमो टीम की तरफ तो यहाँ पर देख लेते हैं डेमो टीम डेमो टीम में अपने विकेट की सेक्शन से करने ला जेड नकवी को गुलाम दस्तकीर यहाँ से डब्ल्यू गोर को बोलिंग ऑलराउंडर सेक्शन से डब्लू साक बी सिंह यू आरिफ आर सिंह यहाँ से जेड अली को वोलिंग सेक्शन से एम साहक वी रवि ए अहमद को कैप्टन करूंगा डब्ल्यू साहक को वाइस कैप्टन करूंगा जेड अली को बट ये मेरी फाइनल टीम बिल्कुल नहीं है ये सिर्फ मेरी डेमो टीम है फाइनल टीम आपको बैटिंग ऑर्डर करने के बाद में ही दे पाऊंगा क्योंकि टी में क्या होता है काफ़ी बैटिंग ऑर्डर चेंजेस होते रहते हैं तो फाइनल टीम अगर आपको चाहिए अच्छी विनिंग करनी है तो जाओ वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो धन्यवाद फ्रेंड आपको हमारी वीडियो देखने के लिए